हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो न्यू सिलेबस आया है जिसमें हम लोग जो दो टर्म में एग्जाम होने हैं उसका जो सिलेबस आया है उसकी बात करेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता है कि एग्जाम आपके दो टर्म में होने हैं, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका ये एग्जाम होना है और ये 90 मिनट्स का होगा और ये होगा आपका नवम्बर दिसंबर में, ठीक है। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा यूनिट्स है जिसमें नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ आपका चैप्टर वन है फर्स्ट टर्म के सिलेबस में, और इसमें ये चैप्टर वन आपका 8 मार्क्स का है। एलजेब्रा जो है ये चैप्टर 4 आएगा, एलजेब्रा यूनिट में चैप्टर 4 हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और ये आपका 5 मार्क्स का है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीसरा यूनिट है जो चैप्टर 3 है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में, ये आपके 4 मार्क्स का इसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। ज्योमेट्री वाला अगर पार्ट देखें, ज्योमेट्री वाली यूनिट, तो इसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7, चैप्टर 6 है आपका लाइन एंड एंगल्स और चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स, इन दो चैप्टर्स का वेटेज है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 13 मार्क्स का। मेंसुरेशन जो होगा, मेंसुरेशन में चैप्टर 12 जो हेरोन्स फॉर्मूला है, सिर्फ यही चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में है जो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। और लास्ट यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें टर्म 1 में आपका चैप्टर 14 जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 6 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल जो फर्स्ट टर्म का जो फाइनल एग्जाम होना है, मतलब फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा जो नवंबर दिसंबर में होना है वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म की बात हो गई। और इसमें इंटरनल असेसमेंट के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट में आपके जो क्लास में आपका जो ऑनलाइन क्लास में आपका एवोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे, उसके मार्क्स मिलेंगे। साथ में आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होने हैं उसके मार्क्स इसमें इंक्लूड होंगे। साथ में कुछ प्रैक्टिकल्स आपके होने हैं उसका, और आपका जो कॉपी वर्क है, जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें आपके कैसा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको ये टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये जो फर्स्ट टर्म का जो हमने ये यूनिट वाइज हमने बात किया, इसकी आप बात करते हैं इसमें चैप्टर्स में सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिड्यूस भी किया गया है, लेकिन इसकी बात मैं आपको अलग से अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आप लोग सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर सिस्टम का सिलेबस है आपका, और ये आपका एलजेब्रा यूनिट में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, टर्म 1 एग्जाम में आपका ये इंक्लूडेड है। तीसरा आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये भी इंक्लूडेड है टर्म 1 में। और यहाँ पे ये लाइंस एंड एंगल्स की बात कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस है जिसमें आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा पुराना सिलेबस से इस वाले सिलेबस को, तो मैं आपको ये दिखा सकूंगा कि वहां पे कि क्या क्या आपको रिड्यूस हुआ है, लेकिन वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। यहाँ लाइंस एंड एंगल्स की बात देख ली, ये ट्राइंगल चैप्टर में आप देख सकते हैं, ये आपका ट्राइंगल चैप्टर का सिलेबस है और ये ट्राइंगल में भी कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है, इसकी बात भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। ये मेंसुरेशन में देख सकते हैं आप हेरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ आएगा सिर्फ ये, ठीक है। और इसका अप्लीकेशन, इसका सेकेंड एक्सरसाइज फिर से इसमें रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब इसका सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आएगा। और यहाँ स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो स्टेटिस्टिक्स में भी देखिए आपको ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपका टर्म 1 यहाँ पे होता है एंड, टर्म 1 जैसे ही एंड होगा आपका तो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा जो नवंबर दिसंबर में होना है। एग्जामिनेशन टाइप जो होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा और 90 मिनट का होगा, और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हो सकता है। अगर सिचुएशन ठीक रहा तो ऑफलाइन मोड मतलब आपके स्कूल में होगा, और अगर यहाँ पे कोरोना ये पेंडेमिक पीरियड है, ये अगर ज्यादा इसका उफान मारा, ज्यादा हालत खराब हुई, तो ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। चलिए अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड टर्म में देखिए आपका ये एल्जेब्रा यूनिट में चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है वो आता है। ज्योमेट्री में देखेंगे तो चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10, चैप्टर 8 है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स और चैप्टर 10 है सर्कल, ये दो चैप्टर आपके इसमें आएंगे। इससे क्या पता चला, जो 9 चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम वो आपका इसमें से रिमूव कर दिया गया है, वो थ्रू आउट आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये दो चैप्टर जो आपके हैं 8वां और 10वां क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ये मिला के इसका वेटेज है 15 नंबर, पॉलिनोमियल का वेटेज है 12 नंबर। मेंसुरेशन की बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका वेटेज है 9 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट में देखेंगे तो चैप्टर 15 मतलब प्रोबेबिलिटी, आपको सेकेंड टर्म में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका इसमें है, इसके आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से सेकेंड एग्जाम भी जो आपका ये कब मार्च अप्रैल में होना है ये आपका 40 मार्क्स का होगा,
और उसी तरीके से सेकेंड टर्म में भी आपके 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, पीरियोडिक टेस्ट आपके, उसके बाद क्लास में आपकी परफॉर्मेंस, आपका प्रैक्टिकल वर्क, और साथ में आपका किस तरीके से बिहेवियर है क्लास में, उसके बेसिस पे आपको ये 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से टोटल हमारा सेकेंड टर्म आपका 50 मार्क्स का होता है। सेकेंड टर्म जो एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा, और इसमें पूरा आपका जैसे एग्जाम होता है जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वैसा एग्जाम होगा। इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर की बात करें जो चैप्टर 2 है, इसमें देखिए आपको ये सिलेबस है, इसमें आपने लास्ट फॉर्मूला जो देखा होगा x³ + y³ + z³ - 3xyz वाला, वो फॉर्मूला आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, इसमें भी कुछ रिमूव हुआ है, लेकिन इसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। यहां पे सर्कल चैप्टर का ये सिलेबस है, यहां पे आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ रिमूव हुआ है, ये मैं आपको तब बताऊंगा रिमूव्ड सिलेबस वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिए, ये कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ये मेंसुरेशन का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का है, और ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर इस टर्म 2 में है, और इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये टर्म 2 एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होना है, और ये एग्जाम टाइप जो होगा फुल पैटर्न, मतलब सारे तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस तरीके के, और ये एग्जाम जो होगा ये आपका 2 घंटे का होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का ये पूरा पैटर्न मैंने आपको समझाया कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 में जो एग्जाम होना है उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। अगर आपको रिमूव्ड सिलेबस भी देखना है तो रिमूव्ड सिलेबस भी मैं आप लोगों को जल्दी से वीडियो बना के मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आप सभी लोग लग जाइए तैयारी करने में और अच्छे से पढ़ाई करिए। ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, ये जो न्यू पैटर्न है, इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।